सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस सीरीज़ का नाम होगा इफ़ दे कैन व्हाई कांट अस। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे अनंत अंबानी, जो कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के बेटे हैं, उन्होंने कैसे अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की। हम जब भी ये सुनते हैं कि उन्होंने 108 kg वेट लॉस किया और विद इन 18 मंथ्स, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या उन्होंने ये नेचुरल किया, क्या उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए, क्या उनकी डाइट इतनी अच्छी थी, क्या उनकी ट्रेनिंग अच्छी थी, उनका ट्रेनर कौन था, उन्होंने क्या क्या डाइट में कंज्यूम किया जो इतनी अच्छा उन्होंने अपना वेट को ट्रांसफॉर्म किया। सो आज के इस एपिसोड में हम यही अनंत अंबानी के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो जैसे कि आप सबको पता है कि जो अनंत अंबानी हैं, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। अगर हम उनकी पहली पिक्चर्स देखें तो उसमें वो, आई थिंक मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट वो किसी हाथी से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा फैटी पर्सन, उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 208 kg हो चुका था। इस वेट में क्या होता है कि कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो कैसे अनंत अंबानी ने अपना वेट लॉस किया और कैसे, क्या हम कौन से इंस्पायर होना चाहिए कि उन्होंने इतना ज़्यादा वेट लॉस किया और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। 1 ईयर लगा लो आप, 1 ईयर में 108 kg लॉस करना कोई बच्चों की बात नहीं है। और ये आपको भी पता है कि नेचुरल ऐसा हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी डाइट कम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको सेकेंड मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा। वो मेथड के स्टेरॉइड्स है या वो मेथड कोई सर्जरी है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सो अगर हम अनंत अंबानी के ट्रेनर की बात करें, उनके ट्रेनर का नाम है विनोद जाना, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। उन्होंने आज तक आमिर खान, जॉन अब्राहम, शिल्पा शेट्टी और काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ काम किया है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की है। सो अनंत अंबानी के भी जो ये थे वो ट्रेनर थे, विनोद चाना। सो विनोद चाना ने ऑनलाइन, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है कि क्या क्या उनकी वर्कआउट रूटीन थी, क्या उन्होंने डाइट इंक्लूड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनंत अंबानी की डाइट के बारे में। सो जो उनके ट्रेनर थे विनोद चाना, उन्होंने उनकी डाइट के बारे में बताया हुआ है कि उनकी डाइट में मेनली फाइबर्स, प्रोटीन एंड मेनली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट थी। और उनकी डाइट में सिर्फ 1200 कैलरीज थी इन अ डे, ओनली 1200 कैलरीज। सो 1200 कैलरीज को पूरे दिन मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो उनके ट्रेनर ने बोला कि कुछ टाइम जो अनंत अंबानी थे, थोड़ी उनकी डेडिकेशन कम हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोर जाता है इंसान रोज़ एक ही चीज़ करके, और उन्होंने 18 मंथ्स किया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डाइट कम भी करते हो, आप वेट लॉस करते हो, आप अपनी कैलोरी डेफिसिट में जाते हो, आपका बिल्कुल वेट लॉस होगा। बट इतना ज़्यादा ओबीस है, उसके जब वो वेट लॉस करता है तो उसकी जो स्किन होती है वो हैंग हो जाती है बॉडी से। जब वो स्किन हैंग हो जाती है, उसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, या तो पूरी स्किन को रिमूव कर देते हैं या तो एक प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं लिपोसक्शन। लिपोसक्शन से क्या होता है कि जितना भी हमारे एब्डोमेन में फैट स्टोर होता है, वो हम बॉडी से विद द हेल्प ऑफ कैथेटर, जिसको हम एब्डोमेन में इंसर्ट करते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे फैट होता है, उससे फैट को बाहर निकाल लेते हैं। सो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या अनंत अंबानी की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो नेचुरल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर हुए हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा ओवरवेट नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 kg, 90 kg, इसमें आप आराम से वेट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट वो आप खुद देख सकते हो कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन के बेटे हैं, तो इतना तो उनके लिए मैनेजेबल है कि वो ये सब कर सकते हैं। सो अगर हम सर्जरी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने कराई होगी, आपको भी पता है, क्योंकि ये चीज़ नेचुरल इतनी जल्दी हो नहीं सकती है। बिल्कुल उन्होंने डाइट फॉलो की है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाइट फॉलो नहीं की, बट फिर भी सर्जरी की सपोर्ट उन्होंने ली है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने सर्जरी की सपोर्ट ली है या नहीं ली है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने डेडिकेशन दिखाई कि इतना ज़्यादा वेट लॉस किया,
मेनली अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ क्या करना होता है, अपनी कैलोरीज कम करनी होती हैं। अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, आपको अपनी कैलोरीज आहिस्ता आहिस्ता कट कर देनी है। तो आज की वीडियो में और आज के एपिसोड में इतना ही था कि अनंत अंबानी का जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन थी, क्या वो नेचुरल थी, कैसे था और क्या डाइट में इंक्लूडेड था। डाइट में, हाँ मैं बताना भूल गया कि फाइबर्स, प्रोटीन एंड मेनली घी इंक्लूडेड था उनकी डाइट में। सो प्रॉपर डाइट प्लान उनका अपलोडेड नहीं है। सो जैसे अगर मेरे को मिलेगा तो बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।